धरती माता की जय। हम सब जानते हैं कि अर्थ डज नॉट बिलोंग टू इट, वी बिलोंग टू इट। आज पर्यावरण को आप देख रहे हैं उसमें कितनी गर्मी बढ़ रही है कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि राष्ट्र में जो पर्यावरण संयोजन की जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसके चलते हुए हम लोग जो हैं राष्ट्रीय लेवल के साथ जुड़कर ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे हैप्पी मॉडल स्कूल में दिल्ली से चलकर हमारे राष्ट्रीय पर्यावरण गतिविधि संयोजक के जो जॉइंट ऑर्गेनाइज़र हैं, संयोजक हैं, आदरणीय श्री राकेश जैन जी और उनके साथ कई साथी यहाँ पर आए हैं जो बच्चों से बातचीत करेंगे और बच्चों के अंदर एक वैल्यू को फिर से स्ट्रेंथन करेंगे कि हम सबको हवा, पानी और सॉइल को कैसे हमने बचाना है। बिकॉज जैसे किसी ने कहा है, गांधी जी ने कहा है कि धरती के पास आपको देने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन आपका लालच वो पूरा नहीं कर सकती। सो हमारे को अपने बिहेवियर्स चेंज करने होंगे, हमें पॉलिथीन और प्लास्टिक्स को गुड बाय कहना होगा। और वो जो पांच प्रिंसिपल हैं, पांच सिद्धांत जो हैं, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज एंड रीमेक, ये पांच आर जो हैं ये भारत को आगे लेकर जाएंगे। और विकसित भारत तभी होगा जैसा कि जिस देश में पर्यावरण बचा होगा ना जी, वही विकसित होगा। बिकॉज एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा कि अगर आपका पानी प्रदूषित हो जाएगा, आपका जल चला गया, आपकी वायु चली गई, आपकी धरती खराब हो गई, तब आदमी रियलाइज करेगा कि पैसा खाया नहीं जा सकता। तो धरती भोजन देती है, धरती वनस्पति देती है, ये जानवरों का घर है। और पर्यावरण को अगर हमने साफ सुथरा और ठंडा रखना है तो घर में पेड़ लगाना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राकेश जी का कि हम इनके साथ, इनके द्वारा मार्गदर्शन में चल रहे हैं और बच्चे यहाँ पर पर्यावरण एक महीना मना रहे हैं और उसी के चलते हुए आज ये बहुत सारे गेस्ट आए हैं और हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं।